हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग फोर्थ सेम का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यूनिट फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट जो हमारा है वो है ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये चैप्टर का नाम है सबसे फर्स्टली हम लोग को जानना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता है क्या तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग डिजाइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का जो क्या करता है प्लानिंग करता है डिजाइनिंग करता है या ऑपरेशन करता है रोड का जो मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रोवाइड कराता है दिस सिस्टम इंक्लूड रोडवेज रेलवेज एयरवेज एंड वाटरवेज ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं उनमें इंक्लूड होता है रोडवे रेलवे एयरवे और वाटर तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं जिसको भी नोट यहाँ पे आप लोग के नोट्स अगर तैयार करने वाले हैं तो नोट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स अपना लिख लीजिएगा ठीक है अब देखिए इसके बाद जो सिलेबस के अनुसार है सबसे आगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री ये पॉइंट होता है तो इसी पॉइंट के जरिए आप ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस है इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कुछ इस तरह से है कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक सोशल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इकोनॉमिक सोशल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट में हेल्प करता है देखिए इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करता है जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या होगा आर्थिक व्यवस्था सही होगी जिससे कारण का होगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगा ऐसे सोशल कॉमर्शियल ये सब डेवलपमेंट में हेल्प हेल्प करता है तो इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस के जरिए में पढ़ रहे हैं अब इसका सेकेंड पॉइंट जो क्या बोलता है कि दे हेल्प इन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है क्या कल्चरल डेवलपमेंट में मतलब जो कल्चर होता है जैसे यहाँ से अगर कोई आप, आप कोई समुदाय से बिलोंग करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब में से कोई भी तो अगर ट्रांसपोर्ट आप करते हैं हिंदू हैं और यहाँ से और ट्रांसपोर्ट करके कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या आपका कल्चर जा रहा है आपका संस्कृति जा रहा है तो इस टाइप में वहाँ पर कल्चर डेवलपमेंट भी ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है दे हेल्प इन पोलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो पोलिटिकल डेवलपमेंट भी कंट्री में हेल्प करता है इट प्लेज अ वाइटर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री देखिए जो रोडवेज है, होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो रूरल एरियाज को डेवलप करने में हेल्प हेल्प करते हैं दे इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ट्रांसपोर्टेशन क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है ताकि और भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इम्प्रूव द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन ही क्या होता है इंप्रूव करता है कॉन्टैक्ट बिटवीन दो कंट्रीज का कॉन्टैक्ट के लिए या बोल सकते हैं दोनों कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसफर के लिए ठीक है क्योंकि क्यों, वहाँ के पीपल यहाँ आए यहाँ के पीपल वहाँ जाए वहाँ के गुड्स यहाँ आए यहाँ के गुड्स वहाँ जाए इस प्रकार में फिर सेवन पॉइंट है इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव भी करता है लिविंग स्टैंडर्ड को जैसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहाँ से क्या होगा ज़्यादा हम लोग संस्कृति के बारे में जानेंगे कि कैसे और भी पीपल रह रहे हैं तो हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा इंप्रूव होगा इट हेल्प्स इन इम्प्रूव साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है फिर आता है इसका नाइन्थ पॉइंट जो है इट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू ऑट द कंट्री ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है जैसे देखिए जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से होगा तो जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं और ट्रांसपोर्टेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन जो रोड होते हैं जो रोडवेज होते हैं या रेलवेज होते हैं उसी आसपास में बनाया जाता है इंडस्ट्री को ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और, और गुड्स को ट्रांसफर करने में उन लोग को हेल्प मिल सके तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करता है किसी कंट्री को फिर आता है टेंथ पॉइंट इन्हांस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री जैसा कि बात बोल रहे थे कोई भी सामान को इम्पोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्री से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प लेते हैं अब इसके बाद देखिए जब से कि हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टेशन के इम्पोर्टेंस क्या है तब यहाँ से हम लोग का अगला पॉइंट जो है सिलेबस के अनुसार वो क्या बोला गया कि फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग को जानना है रोडवेज रेलवेज और एयरवेज और वाटरवेज रोडवेज को हम लोग अनदर नाम से हाईवेज़ के नाम से जानते हैं तो देखिए सबसे आगे हम लोग को रोडवेज़ के बारे में पढ़ना है तो रोडवेज क्या होते हैं इट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड कंजिस्ट ऑफ हाईवे रोडवे रनवे इट इज सी इट इज वनली टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बीच प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम वन टू ऑल रोडवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कंजिस्ट करता है हाईवे को रोडवे को रनवे को और रोडवे ही एक ऐसा माध्यम होता है जो सभी ट्रांसपोर्टेशन को वो सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे देखिए कि अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो एयरपोर्ट कैसे जाइए घर से निकलिएगा तो रोडवे का हेल्प लीजिएगा तब ना एयरपोर्ट जाइएगा या रेलवे के पास में जाना है रेलवे स्टेशन के पास में जाना है तो आप घर से निकलिएगा तो रोडवे का हेल्प ले ही के जाइएगा यानी कि क्या रोडवे सर्व करता है सर्विस के रूप में सभी ट्रांसपोर्टेशन जो मेथड होते हैं उनको जैसे रोडवे हेल्प किया एयरपोर्ट को तो एयरवेज को हेल्प किया फिर रेलवे स्टेशन को यानी रेलवेज में ही रोडवे का हेल्प आया तो इस प्रकार में अब देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो एडवांटेज और डिसवानज हो डिसडवाटेज होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट का इंडिया में तो क्या है सबसे आगे एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे आगे लेस इन्वेस्टमेंट रोड्स नीड्स लेस कैपिटल देन द रेलवेज लेइंग लाइंग लेइंग ऑफ रेलवे लाइन नीड्स मच कैपिटल देन रोड सो इट इज चीपर लेस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि रोड जब बनाते हैं तो हम लोग को कम पैसा लगता है रेलवे के मुकाबला क्योंकि रेलवे में क्या होता है वहाँ पे हम लोग को आयरन स्लीपर और भी क्या बहुत सारा स्लीपर वहाँ पे देना होता है सीमेंटियस मटेरियल के दीजिए या वुडन मटेरियल के दीजिए या बोल सकते हैं वहाँ पे लेआउट करना होता है हम लोग को रेलवे लाइन तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा आयरन मटेरियल की आवश्यकता पड़ता है तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में लेस इन्वेस्टमेंट होता है फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन डोर टू डोर सर्विस देता है तो डोर टू डोर सर्विस मतलब क्या कि रेलवे हैव टू हैव द ड्रापैक दैट दे कैन नॉट गो टू इज विलेज वाइल्ड रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल रेलवे क्या है रेलवे डोर टू डोर नहीं न जा पाता है क्योंकि देखिए रेलवे हर एक रेलवे स्टेशन पे वो प्रोवाइड किया रेलवे स्टेशन पे जाके अपना स्टैंड करती है तो वहाँ पर रोडवे क्या करता है हर एक के के डोर टू डोर सर्विस को प्रोवाइड करता है तो यहाँ इसका एक एडवांटेज क्या हुआ डोर टू डोर सर्विस फिर आता है फ्लैक्सीबिलिटी इन सर्विस अनलाइक रेलवे द रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स फ्लैक्सीबल सर्विस टू मेन एंड मटेरियल जैसा कि अनलाइक रेलवे मतलब रेलवे के रेलवे में जैसा यूज होता है कि द रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड फ्लैक्सीबल सर्विस टू मेन एंड मटेरियल्स रेलवे में क्या होता है कि ज़्यादातर कभी मेन वहाँ पे जो आदमी सफ़र करते हैं कभी कभी सामान सफ़र करते हैं लेकिन रोडवे में क्या है कि आप लोग बहुत सारे आप विकुलर मोड्स के जरिए आप सामान को भी लेके जा सकते हैं कि बार में और मेन और ह्यूमनिटी को भी ट्रैवल कर सकते हैं तो इस प्रकार में वो डिफरेंस होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्विस के रूप में फिर आते हैं इम्प्लॉयमेंट रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ वाई है ठीक है एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग ठीक है यहाँ से सुधार लीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक है टू मैनी पर्सनस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है बहुत सारा पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देता है वहाँ पे जॉब देता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसा कि देखिए कि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है कि वहाँ पर जब रोड बनेगा तो वहाँ पर लेबर का और इंजीनियर का ये सब का जॉब हो गया फिर आया जब रोड बन गया तो वहाँ पे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ेगी तो ये सब का जरूरत तो वहाँ पे इम्प्लॉयमेंट दे रहा है रोड ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे उसका एक एडवांटेज और हुआ फिर आई यूजफुल फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस वाइल रेलवे आर यूजफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल इन अ स्मॉल डिस्टेंस अब देखिए जैसा कि अगर आपको एक किलोमीटर के रेंज में जाना है तो आप रेलवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि रेलवे क्या होता है कि वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है रेलवे और रोडवे क्या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो स्मॉलर डिस्टेंस में ये ज़्यादा यूजफुल है क्या रोडवेज फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री टू रेल ट्रांसपोर्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज किया जाता है जैसे अगर आपको हम जैसा एक एग्जांपल बताए थे कि रोड ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल टू रेल ट्रांसपोर्ट पीपुल रीच रेलवे स्टेशन टेकिंग द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जैसे अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप रोड को हेल्प लेकर ही जाइएगा तो ये एक फीडर की सर्विस की तरह रेल ट्रांसपोर्ट को यूज करता है फिर आता है पर्सनल सर्विस जैसा ट्रेन से अगर आपको सफर करना है या एयरपोर्ट से सफर कर रहा है एयरवे से तो वहाँ पर आपको वेट करना होगा कि सभी पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे सभी पैसेंजर का वहाँ पे टिकटिंग बुक होगा वो टिकट होगा उसके बाद आपको जाना होगा या उसका एक टाइम होता है कि इतना बजे नाइन शेड्यूल टाइम कि नाइन बजे नाइन ओ क्लाक में ये ट्रेन खुलेगी यहाँ से तो ऐसे करके लेकिन पर्सनल सर्विस देता है रोडवे कि अपना अगर आपके पास बाइक है कार है तो अपना बाइक लीजिए और कहीं भी आपको जाना हो तो अपने से जा सकते हैं तो ये एक पर्सनल सर्विस की तरह यूज होता है फिर आता है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रोड ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्टेबल गुड्स एज इट फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिस्टेबल गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट प्रोडक्शन टू कंजप्शन अब देखिए हेल्पफुल कैसे करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोमेबल गुड्स को जैसे कोई मिल्क कहा हम लोग को ट्रांसफ़र करना है तो मिल्क को ट्रांसफर करने के लिए रोडवे हेल्प करता है इस प्रकार में कि यहाँ से मिल्क जहाँ प्रोडक्शन हुआ और जहाँ कंजप्शन चाहिए मतलब तो जहाँ मिल्क चाहिए वहाँ रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग कोई वहाँ पे हम लोग रोड पे क्या कर सकते हैं कोई व्हीक्यूलर मोड के जरिए उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो ये हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन ऑफ पेरिसिवल गुड्स में फिर आता है बेनिफिशियल टू इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री में रोड को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है क्योंकि ये मोबिलिटी ऑफ मेन एंड मटेरियल्स को वहाँ पे प्रोवाइड करता है कि कैसे वहाँ पे मेन पहुँचे कैसे आदमी पहुँचे या कैसे मटेरियल या गुड्स वहाँ तक पहुँचेगा फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अब रोड ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज क्या है तो फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट अब देखिए फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट का मतलब क्या कि रोड ट्रांसपोर्ट पर जल्दी जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ़ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट ही होता है सो इट इज नॉट सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बोल सकते हैं ये मतलब पूरा तरह से सेफ नहीं है ऐसा तो सेफ कुछ भी नहीं है अगर आप रेलवे में जाइए तो रेलवे पे भी कभी कभी क्या होता है कि रेलवे में अब ट्रेन जा रही है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का भी तो कभी कभी एयर वे में भी एक्सीडेंट होते हैं तो ये बोल सकते हैं कि सभी में कुछ कुछ लिमिटेशन होते हैं लेकिन रोडवे में फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट एक लिमिटेशन है तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया रोड ट्रांसपोर्ट का फिर आता है इन एडिकुएट रोड्स फिर इन एडिकुएट रोड्स मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द दर्ल्ड सेप आर इन एडुक्एट दे आर ओनली वनली थर्टी फोर किलोमीटर लॉन्ग रोड्स पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया वाइल इन जापान टू हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर रोड्स पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर देखिए जैसा कि जो रोड होता है वो अगर बैड से में हो तो आर इन एडिक्वेट मतलब बाइड सेप मतलब क्या जब आप, आप हाईवे पढ़िएगा तो वहाँ आप पे आपको समझ में आएगा कि अलाइनमेंट और डिजाइनिंग कैसे हेल्प करता है तो एलाइनमेंट अगर सही नहीं है तो रोड क्या हो गया इन एडिक्वेट रोड हो गया जैसे इंडिया में अगर बोला जाए कि हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर में थर्टी फोर किलोमीटर लॉन्ग रोड बनाया गया है लेकिन जापान में क्या है हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर में टू हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर रोड वहाँ पे बनाया गया है ताकि वहाँ पे और भी ज़्यादा रोड क्या हो हेल्पफुल हो फिर आता है हैवी टैक्सेस रोड पे क्या टोल टैक्स लगता है तो वो सब क्या ज़्यादा व्हीकल के क्या टोल टैक्स लगने के कारण वहाँ पे हैवी टैक्सेस हो जाते हैं देयर इज एवी हाँ टैक्स बर्डन ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया टैक्स बर्डन पर मोटर व्हीकल इन इंडिया इज थर्टी फाइव हंड्रेड वाइल इन अमेरिका इट इज़ एट हंड्रेड सिक्सटी टैक्स जो होता है इंडिया में थर्टी फाइव हंड्रेड टैक्स लगता है और जो अमेरिका में एट हंड्रेड सिक्सटी ये टैक्स जो है सभी टैक्स के मिलाकर बनाया जाता है कि थर्टी फाइव हंड्रेड टैक्स लगता है हैवी टैक्सेस तो टोल टैक्स में तो बार बार टोल टैक्स आप दीजिएगा तो उसी प्रकार में ये एक्यूरेसी नहीं है ये बहुत सारे टैक्स को मिलाकर एक एवरेज बताया गया कि इंडिया में थर्टी फाइव हंड्रेड पर मोटर टैक्स लगता है और अमेरिका में क्या एट हंड्रेड सिक्सटी तो यहाँ पे कंपेरिजन आप देख सकते हैं कि कहाँ हम लोग का देश और कहाँ वहाँ एट हंड्रेड सिक्सटी रुपीज सिर्फ लगता है फिर फोर्थ पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड जैसे डिसएडवांटेज क्या है पुअर मेंटेनेंस अगर रहा तो वहाँ पे रोड पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो ये कंप्लीजन आप लोग पढ़ लीजिएगा हम लोग और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फिर आता है फाइव रेजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल तो राइजिंग जो कॉस्ट हो रहा है पेट्रोल एंड डीजल का तो वो डिसएडवाटेज की तरह काम करता है कि हम लोग को जब कॉस्ट जैसा कि आप लोग अभी इन जान रहे होंगे कि पेट्रोल की कॉस्ट क्या हो रहा हाइक हो रहा हाई हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा पेट्रोल और डीजल के कॉस्ट बढ़ने के कारण हम लोग को और भी ज़्यादा वहाँ पे पैसा खर्च करना होगा गाड़ियों के चलाने के लिए तो वहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज हुआ फिर आया तो ये कॉस्टलियर काम करता है ज़्यादा पैसा कम करने यानी कॉस्टलियर अनसुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड वर्ल्ड गुड्स ये अनसुटेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोडवे क्योंकि ज़्यादा पैसा हम लोग को खर्च करना होगा फिर आता है रेलवे इट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड कंजिस्ट ऑफ रेलवे ट्रैक्स ऑन बिच ट्रेन मूव टू ट्रांसपोर्ट पीपुल एंड गुड्स देखिए रेलवे क्या है रेलवे एक ऐसा माध्यम होता है ट्रांसपोर्टेशन का लैंड पे जिसमें रेलवे ट्रैक्स इन्वॉल्व हो और जिस पे ट्रेन क्या करता है मूव करता है पीपल को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह फिर इसके बाद आता है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे देखिए एडवांटेज में सबसे फर्स्ट डिपेंडेबल रेलवे क्या है डिपेंडेबल है दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे कि जो अगर आपको रेलवे स्टेशन पे आना है या कोई ट्रेन को आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प लेना पड़ेगा जैसे रोड का तो ये देखिए डिपेंडेबल है कैसे और भी बोल सकते हैं कि ये अफेक्ट होता है वेदर कंडीशन से अगर रेन है तो वहाँ रेन है फॉग है तो ये सब पे डिपेंड होता है फिर आता है वेटर ऑर्गेनाइज रेल क्या है वेटर ऑर्गेनाइज रूट है क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह एक फिक्सड रूट के जरिए ये जाता है तो फिक्स्ड रूट और फिक्स शेड्यूल तो इसके कारण ये ऑर्गेनाइज है इट्स सर्विस इज मोर सर्टेन इन फॉर्म अन रेगुलराइज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये इसका जो सर्विस है अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा ऑर्गेनाइज है फिर आता हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जो रेलवे है वो लॉन्ग डिस्टेंस में हाई स्पीड पर मेनटेन करके आपको जल्दी पहुँचा देगा तो रेलवे ऐसे हेल्प करता है फिर आता है सुटेबल फॉर बल्कि एंड हैवी गुड्स रेलवे क्या हेल्प करता है इकोनॉमिकल क्विकर एंड बेस्ट सूटेड फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस देखिए अगर आपको सामान मंगवाना है या कोई भी सामान को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करना है अगर वो ज़्यादा वजन है या ज़्यादा बल्कि है मतलब ज़्यादा बड़ा है तो उसका हम लोग रेलवे से अगर ट्रांसफ़र करें तो हमको ज़्यादा ईजियर पड़ेगा ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा तो इस टाइप में फोर आता है फाइव आता है चीपर ट्रांसपोर्ट ये सस्ता ट्रांसपोर्ट है इसमें कम पैसा लगता है ज़्यादा दूरी अगर आपको ट्रैवल करना है तो फिर आता है सेफ्टी रेलवे में ज़्यादा सेफ्टी है अनदर अदर कंपेरिजन टू रोडवेज और देखिए द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड ब्रेकडोन्स ऑफ रेलवे आर आर मिनिमम एज कम्पेयर टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखिए जो इसका एक्सीडेंट का जो है संभावना बहुत कम होता है अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरिजन में लार्जर कैपेसिटी ये इसका जो अगर एक ट्रेन की बात किया जाए तो ये ज़्यादा आदमियों के या ज़्यादा गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है एक बार में तो लार्जर कैपेसिटी फिर आता है पब्लिक वेलफेयर इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक टेकिंग इन द कंट्री ये क्या है ये लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग जो है पूरे कंट्री में रेलवे परफॉर्म मैनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस देर चार्जेज आर बेस्ड ऑन द चार्ज वॉट द ट्राफिक कन्वीयर प्रिंसिपल बीच हेल्प्स द पुअर इनफैक्ट इट्स इज नेशनल नेसेसिटी पब्लिक वेलफेयर क्योंकि देखिए ट्रेन क्या है कि कम पैसा ही लेता है और ज़्यादा आपको अच्छा से ट्रांसफ़र करता है इसका चार्जेज क्या है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अनदर फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट रेलवे प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी टू द गर्मेंट द डिफेंस फोर्स एंड द पब्लिक सर्वेंट ड्राइव देयर मोबिलिटी प्राइमली फ्राम रेलवेज रेलवे क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी देता है गवर्नमेंट को कि जैसे वहाँ पर डिफेंस फोर्सेज जो होते हैं या पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको ये हेल्प करता है रेलवे फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द रेलवे प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ हज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेवर रेलवे क्या करता है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करता है ओवर सिक्सटीन लाख पर्सन आर डिपेंडिंग अपॉन रेलवे फॉर देअर लिवलीहुड सोलह लाख आदमी क्या है डिपेंडेड हैं लिवली अपने जीवन जीने के लिए रेलवे पर फिर आता है डिसएडवाटेज इसका डिसएडवाटेज क्या है ह्यूज कैपिटल आउटलेट इसका जो पैसा लगता है इसके बनाने में वो ज़्यादा लगता है हम सिर्फ ये पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करेंगे उसके बाद अगर आपको और अच्छे से डीपली जानना है तो ये सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा ठीक है तो हम सिर्फ पॉइंट क्योंकि ये चार नंबर का ही चैप्टर है ज़्यादा नंबर का चैप्टर नहीं है चार से पाँच नंबर का ही चैप्टर है आप सिलेबस में देख लीजिएगा ये कम नंबर का चैप्टर इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है ये सब आप अपने से भी लिख सकते हैं सिर्फ ये पॉइंट को आप लोग समझ जाइए फिर आता है लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी जो ये है अनदर डिसएडवाटेज इसका रेलवे का क्या है इसका इनफ्लैक्सिबिलिटी ये दूसरे रोड को दूसरे या रूट्स एंड टाइमिंग कैन नॉट बी एडजस्टेड टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अगर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हो तो इसका रूट और टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता है फिर आता है लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस इसमें डोर टू डोर सर्विस नहीं है एक स्टेशन से ये दूसरे स्टेशन तक ही आपको प्रोवाइड कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है फिर आता है मोनोपोली एज रेलवे बाई द गवर्नमेंट लैक ऑफ कॉम्पिटिशन में ब्रीड इन इफिशियंसी एंड हाई कॉस्ट देखो मोनोपोली में क्या की जैसा रेलवे में ह्यूज कैपिटल आउटले लगता है ज्यादा पैसा लगता है इसको बनाने में तो ये क्या कर सकता है अपना वर्क अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से भी ज़्यादा ये पैसा कभी कभी वसूल कर लेता है जैसे अभी कोरोना के टाइम में ही जो पैसेंजर ट्रेन है उसी को स्पेशल बना कर क्या ये पैसा ज़्यादा वसूल कर ले रहा है तो इस टाइप मोनोपोली फिर आता है अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में ये अनसुटेबल है और स्मॉल लोड्स के लिए क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में आपको ज़्यादा पैसा ले लेगा ये तो ये अनसुटेबल माना जाता है फिर बुकिंग फॉर्मेलिटीज़ इसमें क्या होता है बुकिंग फॉर्मेलिटीज़ होता है इट इन्वॉल्व मच टाइम एंड लेबर इन बुकिंग एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू रेलवे एज कंपेयर टू मोटर ट्रांसपोर्ट तो ये क्या करता है बुकिंग फैसिलिटी देता है कि आप बुक कर दीजिए आपको सामान यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा नो रूरल सर्विस ये कोई रूरल सर्विस में ये हेल्प नहीं करता है फिर आता है अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी इसका जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज है मतलब तो उतना ज़्यादा यूटिलाइज इसका कैपेसिटी नहीं है फिर इसका मतलब क्या होता है कि द रेलवे मस्ट है फुल लोड फॉर इट्स आइडियल इकोनॉमिकल ऑपरेशन इट कैरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ़ इट्स तो यहाँ पे अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है फिर आता है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बिंग द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रेलवे है मोनोपोली पोजिशन एंड एज मच देयर इज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लोकल अथॉरिटीज़ फेल टू मीट द पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल एज कम्पेयर टू रोडवे रोडवे में क्या है जैसे पर्सनल रिक्वायरमेंट है अगर आपको तो आप रो रोडवे में कोई भी गाड़ी को बुक करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कम ही कॉस्ट में लेकिन रेलवे में वैसा नहीं है रोडवे में हम लोग कोई एक बस को बुक करके अपने घर से रिजर्व करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रेलवे में वैसा नहीं है कि आपको लिए आपके लिए एक पूरा ट्रेन बुक हो जाए या आपके लिए एक बोगी पूरा बुक हो जाए ऐसे करके ठीक है सो so, इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे इसके आगे हम लोग जानेंगे और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में सो so, इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू डिप्लोमा विच